हेलो पीपल यू वेल आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 221 आईपीसी के बारे में सेक्शन 221 आईपीसी हमें बताता है इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड मान लो कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी अक्यूज को भगा दिया ठीक है इंटेंशनली उसने किसी को को भगा दिया तो तो ऐसे public servant को क्या सजा मिलेगी बताता है section 221 आइए इसे लैंग्वेज में पढ़ते हैं अ पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट टू एप्रीहेंड और टू कीप इन कंफाइनमेंट एनी पर्सन चार्ज विद और लाइबल टू एप्रीहेंडेड फॉर एन ऑफेंस कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो की लीगली बाउंड है किसी पर्सन को एप्रिहेंड करने के लिए या फिर उसे कन्फाइनमेंट में रखने के लिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया है इंटेंशनली ओमित्स इंटेंशनली अगर वो ऐसा करता है इंटेंशनली उसको एप्रिहेंड नहीं करता या फिर उसको कन्फाइनमेंट में नहीं रखता है to apprehend such person or intentionally suffers such person to escape या फिर intentionally उसको escape करा करवा देता है भगवा देता है confinement से और इंटेंशनली एज सच पर्सन इन एस्केपिंग और अटेम्प्टिंग टू एस्केप फ्रॉम सच कन्फाइनमेंट या फिर उसकी मदद करता है किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड तरीके से कोई भी तरीका अगर वो अपनाता है किसी भी एक्यूज को जो कि uh, किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज है ठीक है उसको भगाने के भगा उसको भगवा देता है वहां से एस्केप करा देता है कन्फाइनमेंट से या फिर उसे सजा से बचाने की कोशिश करता है इंटेंशनली वो ऐसा करता है ठीक है शैल बी पनिश्ड एज फॉलोज दैट इज टू से तो क्या होगा ये इसमें तीन तरीके दिए हुए हैं आपके बेरोक्ट में जिस तरीकों से पब्लिक उस पब्लिक सर्वेंट को सजा दी जाएगी सो विद प्रिजर्मेंट ऑफ रीद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स विद और विदाउट फाइन सात साल की इंप्रेजमेंट पब्लिक सर्वेंट को होगी अगर जिसको उसने भगाया है उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया था जो कि पनिशेबल विद डेथ होगा ठीक है या फिर ये तो पहला हो गया और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू थ्री इयर्स विद और विदाउट फाइन या फिर तीन साल तक की भी इंप्रेजमेंट मिल सकती है विद फाइन भी हो सकती है विदाउट फाइन भी हो सकती है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया था जिसकी पनिशमेंट है इंप्रोजमेंट फॉर लाइफ आजीवन कारावास है या फिर दस साल तक की इंप्रिजमेंट है तो अगर दस साल तक की इंप्रिजमेंट है या फिर आजीवन कारावास है तो तीन साल की सजा मिलेगी पब्लिक सर्वेंट को भगाने के लिए और अगर डेथ सेंटेंस पास डेथ uh, सेंटेंस उसकी पनिशमेंट है उस ऑपेंस की तो फिर पब्लिक सर्वेंट को कितनी सजा मिलेगी सात साल की सजा मिलेगी लास्ट पॉइंट है विद विद्रिजमेंट ऑफ इधर फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू ईयर्स विद और विदाउट फाइन और दो साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है विद और विदाउट फाइन किसको पब्लिक सर्वेंट को कब होगी जब उस, uh, उसने किसी एक ऐसे पर्सन को uh, भगाया है जिस जिसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि दस साल से जिसकी कम की सजा है तो तीन चीजें हमें इसमें पता चली हैं तीन चीजें वो क्या है कि मतलब कब कब पब्लिक सर्वेंट को कैसे कैसे सजा दी जाएगी तो अगर डेथ सेंटेंस है कोई डेथ सेंटेंस वाला ऑफेंस कमिट किया है किसी ने और अगर उसमें पब्लिक सर्वेंट ने एस्केप करने में मदद की है तो उसे सात साल की सजा मिलेगी अगर आजीवन कारावास है ठीक है और दस साल तक की इम्प्रूजमेंट है उस ऑफेंस uh, की तो फिर तीन साल तक की सजा मिलेगी और अगर दस साल से कम का ऑफेंस है तो उसे तीन uh, दो साल की सजा मिलेगी पब्लिक सर्वेंट को उसकी मदद करने के लिए भागने में ठीक है तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 221 हंड्रेड अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग तो किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू सो मच